सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोर प्लान बनाना ऑटोकैड में। जी ऑटोकैड में प्लान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप देखोगे हमें एक लेआउट दिया हुआ है, इसको आप लाइन कमांड से, जी रेक्टेंगल कमांड से, सर्किल कमांड से, अलग अलग तरीकों से बना सकते हो। बट जी हम आज की क्लास में फोकस ये करेंगे किस तरीके से ईजीएस्ट मैनर में जल्दी से अपना फ्लोर प्लान ऑटोकैड में बनाया जाए। इस जी चीज़ के बिल्कुल लिए, ऐसा करने के लिए हम तीन कमांड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहला कमांड ऑफसेट, जिसकी शॉर्टकट की होती है ओ एंटर। दूसरा ठीक कमांड है है ट्रिम, जिसकी शॉर्टकट की होती है टी आर डबल एंटर। जी एंड तीसरा आपका जो कमांड हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है एक्सटेंड। ठीक है, जी ये जी तीन कमांड का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक कमांड और यूज़ करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। जी जी बेस हम अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब फ्लोर जी प्लान बनाने से पहले पहला स्टेप आपको ये बताना चाहिए कि आप इसमें ये चेक कर लो कि ये कौन से पैरामीटर पे बना हुआ है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, मतलब जो फ्लोर प्लान है हमारा सेंटीमीटर में बना हुआ है। मेन जी वॉल्स आर ऑफ 23 सेंटीमीटर थिक, पार्टीशन वॉल आर ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक। तो इसमें देख के भी हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है ये आपकी थिन वॉल्स है, ये पार्टीशन वॉल हो गई, ये थिक जी वॉल्स है, ये मेन वॉल हो गई। जी पुराने कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर मेन वॉल का यूज़ किया जाता था, बट न्यूअर कंस्ट्रक्शन में हम फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारा इससे क्या होता जी है, कॉलम और बीम पे लोड होता है, इसीलिए हम उसको फ्रेम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। बाकी जी जितनी भी हमारी वॉल्स होती हैं वो सारे हम पार्टीशन वॉल के तौर पर रखते हैं, आउटर को छोड़ के। बिल्कुल लेकिन ये एक ओल्डर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, तो आप देख सकते हो उसमें सारी मेजर वॉल आपको मेन वॉल ही देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इसके कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, जैसे कि आपके डोर, उनके साइजेस, शेड्यूल दे रखा है जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बनाना क्रिएट करना देखेंगे बट बाद में। अब इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, इसमें एक गलती है पैरामीटर में, वो आप सही कर लिएगा। ये डी है, नीचे वाला डी वन है, उसके नीचे वाला डी वन लिखा हुआ है, ये नीचे वाला डी टू है। इनके साइजेस में, डोर के साइजेस में आपको लेंथ एंड हाइट बता रखी है, सॉरी विड्थ एंड हाइट, डोर की कितना गैप छोड़ा जाएगा और डोर की कितनी हाइट है। हम फ्लोर प्लान बनाने जा रहे हैं, फ्लोर प्लान जो होता है वो हमारा टॉप व्यू से बनता है, क्योंकि टॉप व्यू से बनता है इसीलिए हमें हाइट पैरामीटर अभी कंसीडर नहीं करने होंगे। ये हाइट पैरामीटर हम कंसीडर करेंगे जब हम इसके बिहाफ पे एलिवेशन तैयार करेंगे। एलिवेशन ठीक है, सो अपना बिल्कुल फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लोर प्लान बनाने के लिए सबसे पहला काम, या तो मैं साइजेस को एड ऑन करके टोटल लेंथ निकालूं, जो कि टफ रहेगा क्योंकि वॉल एड ऑन करना होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगा। इसी प्रोसेस से बचने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन का। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड मैंने नोट की हुई है, शॉर्टकट की होती है एक्सेल एंटर। अब दो टाइप की कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो एक्सेल एंटर करके एच एंटर करना है, वर्टिकल लाइन बनानी है एक्सेल एंटर करके वी एंटर करना है। अब ठीक कैड है में चलते हैं, न्यू फाइल पे गए, टेम्पलेट आईएसओ ओपन करा हमने। सबसे पहला काम यूनिट सेट करने का, यूएन एंटर किया, डेसिमल लगा हुआ, प्रिसीजन पॉइंट के बाद दो यूनिट रखा, एमएम से यहाँ से चेंज करके सेंटीमीटर किया, ओके कर दिया। देन डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, प्राइमरी यूनिट्स पे गए, यहाँ पे जाने के बाद डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन पॉइंट के बाद दो यूनिट है, डेसिमल सेपरेटर को भी हमने चेंज कर दिया पीरियड में। नेक्स्ट टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ से बढ़ा ले रहे हैं, मैंने यहाँ से टेक्स्ट की हाइट को 15 कर लिया। ठीक है, देन सिंबल एंड एरो पे जाके एरो साइज को भी 15 कर लिया। यहाँ से लाइन पे गए, इनकी लेंथ को मैंने 10 10 पे सेटअप कर लिया, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को भी 10 कर दिया। इतना करने के बाद ओके किया, ओके करके सेट करंट क्लोज कर दिया। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये आईएसओ क्या था, ये जो उसमें तीन दिए रखे हैं? आईएसओ टेम्पलेट होती है हमारी। अच्छा, जब हम टेम्पलेट अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ से न्यू पे जी जाते हैं, तो एक एड आईएसओ टेम्पलेट हमने सेलेक्ट करी थी। अब इतना करने के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अब क्या करना है हमें, अगर हम देखेंगे तो हमें लाइन या तो ऐड की जाए, बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन इन्फिनिटी से आती है और इन्फिनिटी तक जाती है। जी तो जी कंस्ट्रक्शन लाइन से क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कितना भी बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर ही बनेगा पूरा। सो हमें लेंथ को बाद में एड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब फ्लोर प्लान बनाने से पहले आपको कोई एक कॉर्नर जरूर पिक करना होगा, जिस कॉर्नर से आप अपना फ्लोर प्लान स्टार्ट करना चाहते हो। अब कॉर्नर आप कोई भी ले सकते हो, बट कॉर्नर सेलेक्ट करते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि आपकी जो लाइंस हैं वो पूरे फ्लोर प्लान में सिमेट्रिकल हो। दूसरी चीज़, कॉर्नर जिगजैग नहीं हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ दोनों तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर्स हमें लेने होंगे। एक्सट्रीम कॉर्नर कौन से मिलेंगे, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, ये आपके एक्सट्रीम कॉर्नर हैं। सारा फ्लोर प्लान इनसे एक साइड में ही बना हुआ है,
सो हम इन्हीं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला मैं एक कॉर्नर ले रहा हूँ, कौन सा कॉर्नर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से टॉप लेफ्ट कॉर्नर को पिक कर लिया, शॉर्ट कट में चला लेफ्ट, गया, एक्सेल एंटर किया, वी एंटर जी किया, जी एक वर्टिकल लाइन बनाई हमने, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने, इस तरीके से हमने प्लस साइन बना दिया, क्लियर है। अब प्लस साइन बनाने के बाद कॉर्नर में मैंने टॉप लेफ्ट कॉर्नर बनाना है, तो इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हमें कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ फ्लोर प्लान में हमारे एल शेप बन रहा है, तो हमने टी आर डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर दिया, डन। पहला एल शेप हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके बाद अगला गैप लेते हैं, अगला गैप ये आपका वॉल थिकनेस का है, मेन वॉल दिखा रखी है, मेन वॉल की थिकनेस 23 है। सो हमने क्या किया, ओ एंटर किया, 23 लिख के एंटर किया, लाइन को सेलेक्ट करके ड्रॉप किया, इसको भी और इसको भी, इनवर्ड। अब दिख नहीं रही थी हमें तो हमने जूम किया, गैपिंग आ गई, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से आप ट्रिम कर दो, दोनों लाइन जो आपने बनाई उससे इनवर्ड की तरफ आप इनको ऑफसेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा गैप तैयार हो गया, देखिए 23 और ये वाला गैप भी 23 का आ गया। इतना करने के बाद जब आप 23 ऑफसेट करोगे तो ये लाइन जो होगी ये क्रॉस होके जा रही होगी, प्लस साइन बना रही होगी, बट ड्राइंग में आप देख सकते हो एल शेप आ रहा है, हमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। आप इन लाइंस को साथ साथ ट्रिम करते हुए ही चलिएगा, याद रखिएगा। अगर आपने सोचा कि मैं अभी ट्रिम नहीं करूँ बाद में ट्रिम करूँगा, तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा ट्रिम करने के लिए, इसलिए साथ बाई वन स्टेप बाई स्टेप साइड बाई साइड आपको प्रॉपर तैयार करते हुए चलना होगा। अच्छा, ये आपने क्रॉस किया इसको डायगोनली, तो ये एक बार में ही दोनों हो गई? हाँ, दोनों को ट्रिम कर दिया मैंने, टीआर मैं अंडू कर देता हूँ, टीआर अच्छा एंटर किया और मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ किया, सेकंड क्लिक यहाँ कर दिया। अच्छा, मतलब डायगोनली अगर आप क्रॉस करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अब रूम बाय रूम बनाते हुए चलना है। पहला रूम का साइज रहेगा 340 बाय 360 जी। अब ये 340 एक्चुअल में साइज कहाँ से कहाँ तक है, ये इसके एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है बिल्कुल ये वाली 340 है, ठीक है। y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो 360 है। सो हमने कर दिया o एंटर 340 एंटर 340 ऑफसेट किया ये वर्टिकल लाइन को राइट साइड में, तो ये 340 का गैप आ गया। अब गैप मुझे चेंज करना है 360 का, वॉल नहीं बनाएंगे पहले रूम की बाउंड्री बनाते हैं। तो मैंने डबल एक बार एंटर किया, दोबारा एंटर किया और अब 360 गैप दिया, लाइन को सेलेक्ट किया और नीचे ड्रॉप कर दिया। तो पहला स्टेप रूम की बाउंड्री को तैयार करना, जो कि हमने कर लिया पहले एक्स एक्सिस में देन वाई एक्सिस में। आप चाहो तो पहले वाई में ले सकते हो, बट एक ही अप्रोच लेके चलिएगा ताकि आपकी चीज़ें सही बने। तो मैंने पहले एक्स एक्सिस में ऑफसेट कर दिया, देन वाई एक्सिस में ऑफसेट कर दिया 340 बाई 360 का। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो गैप है वो वॉल के गैप के बराबर रहेगा 23 का, जो कि तो मैंने एस्केप करके बाहर आया, वापस से एंटर किया और आपके से 23 का सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया दोनों तरफ एक साथ। तो रूम हमारा एक तैयार हो गया, उसके दोनों तरफ वॉल भी आ गई। अब अगर आप रूम में देखेंगे तो यहाँ से ये रूम को क्या किया हुआ है, ब्रेकअप किया हुआ है, वॉल को ट्रिम ब्रेकअप किया है जी जी। अब ये अभी ट्रिम करना जरूरी है। अगर आपने सोचा कि नहीं जी मैं बाद में ट्रिम कर लूंगा, आप बाद में आगे का जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, मांगे मैं अगला रूम बनाता हूँ, तो आप देखो ये रूम जो है ये अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ आ रहा है, पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी जी जी, ठीक है। तो बाद में हमें कन्फ्यूजन ये रहेगा कि कौन से रूम की लाइन ट्रिम करनी है, कौन सी की नहीं ट्रिम करनी है। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, रूम बाई रूम की अप्रोच को प्रेफर करता हूँ। तो मैंने एक रूम बनाया, अब इस रूम में यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोर लग रहा है, उसके आगे तो वॉल नहीं जा रही, ट्रिम कर दिया, इसके नीचे नहीं जा रही, ट्रिम कर दिया, वॉल को भी साइड से ट्रिम करके सेपरेट कर दिया, ताकि अगले रूम के लिए जब ऑफसेट करें तो ये लाइन सिर्फ आगे की तरफ ऑफसेट हो, पीछे की तरफ ट्रिमिंग के लिए अलग से एडिशनल लाइन ना बनाए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ यार क्या रह गई, यहाँ पे डोर लगेगा, तो नीचे से हमने ट्रिम किया, डोर का साइज नाम पड़ा D1, D1 की डिटेल यहाँ नीचे दे रखी है, आप देखेंगे तो 100 बाई 210 वैल्यू हाइट है, इसको छोड़ देते हैं, 100 वैल्यू को पिक करेंगे विड्थ के लिए, ओ एंटर, यहाँ से 100 एंटर करा, लाइन को सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दिया, आ गया टी आर डबल एंटर करके ट्रिम कर दिया। तो आप देखो एक शेप हमारा तैयार हो गया, क्लियर है ये? जी जी, एक बेडरूम तैयार हुआ हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट रूम का साइज क्या है, 160 बाई 250, तो अगेन ओ एंटर 160 एंटर 160 लाइन को सिलेक्ट करके ऑफसेट, एस्केप करके ओ एंटर 250 एंटर 250 इसको नीचे ऑफसेट, देन दोनों तरफ वॉल देनी है, 10 की वॉल इधर और 10 की वॉल इधर, दोनों तरफ ऑफसेट किया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम किया, इसको ट्रिम करके अलग कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम करके अलग कर दिया।
आप देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा डी टू है, डी टू की डिटेल हम नीचे से पढ़ेंगे। डी टू की डिटेल यहाँ दे रखी है 80 साइज का है। सो ओ एंटर 80 एंटर, 80 पे लाइन को ऑफसेट किया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया, डन जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये साइज है रूम का 290 बाई 360। अगेन ओ एंटर 290 एंटर, 360 एंटर, ऑफसेट किया। वॉल के लिए 23 इधर, और आपका ये वाली वॉल भी मेन वॉल है 23 इधर की तरफ, ऑफसेट किया। अब ये छोटी पड़ी है, इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। अब ये लाइन हमें बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है ईएक्स डबल एंटर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिम कमांड के अंदर ही शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया और जाके सेलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो क्या हो गई, वो एक्सटेंड हो गई। तो ट्रिम कमांड के अंदर शिफ्ट दबाते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड कमांड के अंदर शिफ्ट दबाते हैं तो वो ट्रिम करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हुआ। एस्केप करके बाहर है, वापस से ओ एंटर किया, 100 का डोर यहाँ पे भी आएगा हमारा D1, सो हमने इसको भी 100 ऊपर ऑफसेट कर दिया, एक्स्ट्रा लाइन को हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, शेप तैयार हो गया इतना जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक ओपनिंग दे रखी है, ओपनिंग के लिए मैंने इसको पहले एक्सटेंड कर दिया शिफ्ट दबा के, एस्केप किया, ओ एंटर 120 पे मैंने इसको ऑफसेट कर दिया, ओपनिंग 120 की हो गई हमारी, 120 ऑफसेट कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने, तो ओपनिंग भी तैयार हो गई। अब आगे वाले पे आते हैं, नेक्स्ट वाला जो कॉर्नर है ये W1 है, इसका साइज दे रखा है 180 बाई 360। सो हमने ओ एंटर 180 ऑफसेट किया, 360 पहले से आ रहा था, 23 का वापस से ऑफसेट किया, लाइन को एक्सटेंड कर दिया नीचे भी और ऊपर भी, एक्स्ट्रा एलिमेंट को शिफ्ट दबा के ट्रिम कर दिया हमने। सो अब देखिए ऊपर का शेप तैयार हो गया हमारा जी। जी यहाँ तक का क्लियर है जी। जी अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नीचे ये वाली जो वॉल है आप देख सकते हो, ये वाली वॉल जो है आपकी नीचे जा रही है, ये कहाँ से नीचे जा रही है, इसी कॉर्नर रेफरेंस से नीचे जाती है जी 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 जी। ठीक है, सो इसके लिए क्या किया हमने, एक्सेल एंटर किया कंस्ट्रक्शन लाइन पे, गए वी एंटर किया वर्टिकल लाइन पे, गए फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, दोनों से कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली, ट्रिम कमांड पे गए, इन दोनों को हमने ट्रिम कर दिया और नीचे से इसको भी ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं एरिया, रूम एरिया पे, रूम का साइज क्या दे रखा है, 190 बाय 150 दे रखा है, वो एंटर 190 एंटर, 190 और 150 नीचे की तरफ ऑफसेट कर दिया हमने, वॉल के लिए 10 ऑफसेट किया, दोनों तरफ पार्टीशन वॉल है, एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ऐसे ट्रिम कर दिया, देन डोर D2 है, D2 का साइज 80 है, 80 ऑफसेट कर दिया हमने इसको, हो गया तैयार। नेक्स्ट रूम पे चलते हैं, नेक्स्ट रूम का साइज 300 बाई 512 है, ऑफसेट किया 300 512, नीचे ऑफसेट कर दिया, दोनों तरफ वॉल दे दी 23 की, इधर नीचे भी और इधर भी, इनको एक्सटेंड कर दिया हमने, बढ़ा दिया। अब ये एक्सट्रीम राइट कॉर्नर तक गई हुई है, तो राइट कॉर्नर तक लगा, नीचे वाली लाइन नहीं है, शिफ्ट दबा के हमने ट्रिम कर दिया। सो अब देखो ये वाला शेप तैयार हो गया, इसकी डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप साइजिंग सेटअप हो गया ये। सो आप देख सकते हो कितना साइज आ रहा है इसका, 323 यहाँ पे हमें दे रखा है 323, ये डेप्थ हमें दे रखी है 383, तो हमने क्या किया यहाँ से ओ एंटर 383, इसको नीचे ऑफसेट किया, एक्सटेंड किया, शिफ्ट दबा के इनको हटा दिया। अब ये गैप हमारा कितना है, 160 का है, ऑफसेट किया 160, अगेन वापस वॉल ऑफसेट कर दिया 23 का, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को यहाँ से ट्रिम कर दिया हमने, ये शेप आ गया हमारा। यहाँ पे वापस से हमने एक लाइन बनाई, लाइन क्यों बना रहे, क्योंकि ये वॉल जो है थोड़ी सी बाहर निकली है, उसके बाद डोर है, ये वॉल हम वॉल थिकनेस के बराबर बाहर लेते हैं 23, ऐसी मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी। इधर हमें ओपनिंग चाहिए 120 की, यहाँ पे डी है, डी का साइज हमें दे रखा है ये भी 120 है, सो हमने क्या किया ओ एंटर 120 का हाफ होता है 60, 60 लेफ्ट 60 राइट ऑफसेट कर दिया, 120 पे ऑफसेट कर दिया। ये शेप हमारा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऊपर का शेप है, इसका विड्थ दे रखा है 200, ओ एंटर किया
200 ऑफसेट किया हमने इसको नीचे लाइन को, एल एंटर करके लाइन को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से भी एल एंटर करके लाइन को कनेक्ट किया, लाइन कमांड पे गए, यहाँ से सेंटर से मिडिल से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आप चाहो तो सी एंटर करके सर्कल बना सकते हो, या हमने फिलेट कमांड भी पढ़ा था लास्ट क्लास में, एफ एंटर किया, आर एंटर किया, रेडियस जीरो दिया, पैरेलल लाइन के बीच में मैंने फिलेट लगा दिया, तो आप देख सकते हो एक सेमी सर्कल अपने आप तैयार हो गया। ये कैसे किया, ये कैसे किया एक बार जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। हाँ जी जरा इसके रिपीट कर दीजिएगा, ये फिलेट से कैसे करा आपने सर्किल? मैं बता दूं, मैंने एफ एंटर किया, आर एंटर किया, जीरो एंटर किया, ठीक है जी। आप जीरो, टेन, ट्वेंटी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अगर लाइन पैरेलल है तो इनके बीच में जो फिलेट कमांड आप देंगे तो वो हमेशा एक सेमी सर्किल ही क्रिएट करेगा। ठीक 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 है। अब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको आप ट्रिम करके हटा दिए, तो आप देख सकते हो इस तरीके से, इस मैनर में हमने कितनी जल्दी एक फ्लोर प्लान अपना तैयार कर लिया। जी 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 ठीक है। सो ये तीन कमांड या फोर कमांड से यूज करके आप जल्दी से अपना एक फ्लोर प्लान तैयार कर सकते हो। अभी हमने खाली अपना वॉल फ्लोर प्लान तैयार किया, इसमें डोर्स के लिए गैपिंग जरूर दी है, डोर दिए नहीं है, विंडो के लिए कुछ नहीं दिया, अभी वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं दिया, ये सारी चीजें हम बाद में देना देखेंगे। ठीक है, सो पहले फ्लोर प्लान बनाने का स्टेप प्रोसीजर देखा हमने आज। ठीक है जी जी। सो ये आपको करना होगा, फ्लोर प्लान तैयार करना होगा। फाइल मैंने शेयर कर दी है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है।